छतरपुर जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं दिनों भगवान भरोसे चल रही हैं। ओपीडी में नहीं बैठते डॉक्टर, मरीजों को घंटों करना पड़ता है इंतजार। जी हां, हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिला चिकित्सालय की, जहां पर मीडिया के भ्रमण के दौरान ओपीडी में आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर नदारद मिले। जानकारी के अनुसार डॉक्टर संगीता चौबे, डॉक्टर ओज दोसाज, डॉक्टर राजेंद्र धमनया, डॉक्टर रवि सोनी, डॉक्टर गौरव अग्रवाल, डॉक्टर रचना चौरसी अपने चैम्बर से गायब मिले। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि डॉक्टरों के चैम्बर के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सबसे पहले किस डॉक्टर को दिखाने आए हैं? गौरव अग्रवाल को। गौरव अग्रवाल तो अभी डॉक्टर आए नहीं? अभी नहीं। कितने बजे से बैठे हैं आप? डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्या यहाँ किसी संपर्क हुआ? क्या बोल रहे हैं? जी नहीं, यहाँ कोई सर उन्होंने यहाँ के लिए बताया था, हड्डी वाले डॉक्टर ने बोले उनको दिखाई है। जी, उनको पहले बताया था। किस गांव से आए हैं आप? भटरा। भटरा से। सो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? क्या हो गया बालक को? सर कमजोर है सर, बिल्कुल हड्डी से उसकी पतली पतली हड्डी। क्या नाम है बालक का? प्रमोद। वो अभी डॉक्टर नहीं मिले आपको? नहीं, ये सर बताया गया था वहाँ से जो हड्डी एम्बुलेंस की दिखा हुआ मेडिसिन 19 नंबर में। जी 19 नंबर बोला था उन्हें सर, पर्चा भी ली हुई। आपके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे था, फोर्थ फ्लोर पे, मैं टेन RMO और सहायक प्रबंधक के साथ, तो डॉक्टर संगीता चौबे हैं वो ऊपर राउंड ले रही थी, अभी OPD में बैठी हुई हैं। डॉक्टर रचना चौरसिया हैं, 20 मई से EL पे हैं। डॉक्टर सुरभि करे हैं, गायनी की उसमें ऊपर देख रही हैं, राउंड पे हैं। रवि सोनी और डॉक्टर धमनिया दोनों अवकाश पर हैं। जिनके आपके पास डॉक्टर गौरव अग्रवाल, इनका मैं पता करवाता हूँ, उसका हो सकता है कि इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं, कॉल पर भी हो सकते हैं, ऑन कॉल हैं, परंतु OPD में मेरे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, तो ऐसी OPD की कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ही देख सकते हैं कि OPD में मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है, इससे पता लगता है कि डॉक्टर बैठे हुए हैं तो भीड़ कम हो रही है। फिर भी यदि कोई डॉक्टर नहीं बैठा है तो हम उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, नोटिस भी जारी करेंगे। सर गर्मियों का मौसम चल रहा है, बाड़ों में लोग परेशान हैं, गर्मी से बेहाल हैं, कूलर नहीं चल रहे हैं, पंखे भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। लोग जो मरीज भर्ती हैं, कुछ देखने में आया है कि वो नीचे इलाज अपना करा रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं और क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? ये बात सही है कि जिला चिकित्सालय में लोड बहुत ज़्यादा है, 300 जो स्वीकृत बेड हैं उससे ज़्यादा कहीं मरीज भर्ती हो रहे हैं गर्मी की ही वजह से, परंतु जो पंखे तो सही चल रहे हैं, कूलर भी काम कर रहे हैं, परंतु जो सेंट्रल AC है और कुछ AC हैं उनके सर्विस और मेंटेनेंस ना होने के कारण नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमने राज्य सरकार को लेटर लिखा है और राज्य सरकार से आश्वासन मिला है कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो राशि जारी कर देंगे, तो सेंट्रल AC चालू हो जाएगा, तो हमारी जो अन्य व्यवस्थाएँ जो प्रभावित हो रही हैं वो भी सुचारू रूप से संचालित हो जाएंगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।